आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। त्रिपुरा में आज हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, दो चुनावी रैली करेंगे संबोधित। कांग्रेस और टीएमसी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दो टूक, कहा विपक्ष शासित राज्य बढ़ा रहे पेट्रोल और डीजल की टैक्स। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, तो भ्रष्टाचार के एक मामले में अंतरिम रोक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में मारपीट, प्रदेश के अध्यक्ष सामने हुई मारपीट। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को झटका, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंथाना का खेलना संदिग्ध। मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में विदेशी मेहमानों के पहुंचने के बाद भी सफाई स्वच्छता कार्य लगातार जारी है। G20 की डेलीगेशन के आगरा पहुंचने के बाद रात में लाल किले पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विदेशी मेहमान आगरा की सर जमीन पर पहुंचे, G20 देशों के डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया गया। आगरा किले पर स्वच्छता का कार्य लगातार जारी है। इंस्पेक्टर आशुतोष ने बताया कि आगरा किले पर लगभग 35 कर्मचारी रात में सफाई कर रहे हैं। विदेशी मेहमान आगरा की सरजमी पर पहुंच चुके हैं और कल यानी 11 तारीख को आगरा लाल किले का दीदार भी करेंगे। आपको बता दें हम कि आगरा लाल किले पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। ये रात का वक्त है, आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर सफाई कार्य चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिस क्षेत्र के इंस्पेक्टर, इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मैं आशुतोष कुमार वर्मा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक। यहाँ पर सफाई कार्य सुबह प्रातः 5 बजे से हम लोग शुरू कर देते हैं और ये लगातार सर 24/7 कार्य करते रहते हैं। फिर इस पर इसमें हमने तीन शिफ्टों में ड्यूटी कर रखी है, 35-35 कर्मचारी लगा रखे हैं जो सुबह 5 बजे से आते हैं, फिर 1 बजे तक करेंगे। 1 बजे के बाद में जो दूसरी शिफ्ट आती है वो रात के 8 बजे तक करती है। उसके बाद में जो टीम आएगी वो 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक करती है। आज रात में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, कल डेलीगेट्स यहाँ पर आगरा किले का दीदार करेगा, तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है। हमने पूरी तरीके से आगरा फोर्ट पर मैं इस समय हूँ, इसी तरीके से हमारे खेरिया मॉल पर टीम लगी हुई है, फतेहाबाद रोड पर लगी हुई, ताजमहल पर भी लगी हुई टीम। हम उनकी यहाँ पर लगभग टीम होगी 250 से 300 की टीम लगी हुई है जो 24/7 कार्य कर रही है, रात दिन एक करके ब्यूटीफिकेशन का कार, सफाई का कार सतत चल रहा है। देखा आपने, इंस्पेक्टर का साफ तौर से कहना है यहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। कल डेलीगेशन यहाँ पर आगरा लाल किले का दीदार करेगा और भारत की संस्कृति के साथ कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। आगरा में कई महीनों से सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किए जा रहे थे। आगरा के सौंदर्यीकरण को देखकर लोग हैरान हैं, साथ ही लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आगरा की सुंदरता यूं ही बरकरार रहे। G20 डेलीगेशन के गुजरने के बाद G20 चौराहे पर सेल्फी के का दौर शुरू हो गया। लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कहा। इस देशों के प्रतिनिधि मंडल के आगमन को लेकर ताजनगरी आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं ये आगरा का G20 क्रॉसिंग है और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले G20 देशों का प्रतिनिधि मंडल गुजरा है। आगरा दुल्हन की तरह सजाया गया है, ताजनगरी आगरा के लोग बड़ी संख्या में यहाँ की सुंदरता को देखने आ रहे हैं और ताजनगरी आगरा एक आकर्षित का केंद्र बना है। ताजनगरी आगरा के लोग भी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए एक महिला हैं इनसे बात कर लेते हैं। मैम आज आगरा
G20 क्रॉसिंग पर हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव यू आगरा। और ऐसे सजाया गया है एक दुल्हन की तरह, हम देख के इतने खुश हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि देवो अतिथो भव, और बहुत सम्मान के साथ हमने आने वाले मेहमानों का स्वागत किया है। और आई लव यू आगरा, आई लव यू आगरा, वाह क्या सजा हुआ है, बस बयां नहीं कर सकते सब। देखा आपने, ताजनगरी आगरा के भी लोग काफ़ी खुश हैं और विदेशी मेहमानों का स्वागत भी भव्य तरीके से किया गया था। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। खबर पर हमारे संवाददाता जीशान हमसे जुड़ेंगे। जीशान, G20 को लेकर आगरा को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। जी बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन एक महीने से जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चल रही थी G20 मेहमानों को लेकर। कल G20 देशों के मेहमान तकरीबन 100 से 125 लोग आगरा खेड़िया एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां पर उनका भारतीय संस्कृति के हिसाब से भव्य तरीके से स्वागत किया गया, पूरे रोड को बेहतरीन तरीके से सजाया गया, दुल्हन की तरह सजाया गया। जब डेलीगेशन वहां से गुजर गया, उसके बाद ताजनगरी आगरा के लोग उस सुंदरता को, खूबसूरती को अपने कैमरे में लेते हुए भी नजर आए। जी मयूरी जी, धन्यवाद जीशान तमाम जानकारियों के लिए। औरैया में मुख्य अतिथि माननीय अनिल कुमार वर्मा, न्यायाधीश एवं विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य से संबंधित शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम का आयोजन तहसील सभागार में किया गया। इस राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में निर्वाचित अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई गई। डीएम ने राजस्व अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई है। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने यह शपथ दिलाई। बता दें, इस राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में निर्वाचित अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई गई। देवरिया में स्वच्छता भारत मिशन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला। कई कर्मचारी अपनी मांग और डाटा फिटिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जिसके तहत मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि हम सभी लोग स्वच्छता ग्राही पद पर नियुक्त हैं। ग्राम पंचायतों में निर्देशालय से आता है, लेकिन बकाया मानदेय DPRO साहब नहीं देते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर टीचर की पिटाई से छात्र की आंख फूट गई। पीड़ित छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला दुल्हपुर क्षेत्र के शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का है, जहां स्कूल फीस ना जमा होने पर शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह पिटाई की। गंभीर रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले गए हैं। इस मामले में DM ने जांच और कार्रवाई का दावा किया है। अभी आपने ये मामला संज्ञान में आप लाए हैं मेरे, यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसको जांच करके इसके इस पर्टिकुलर टीचर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको हम प्रबंधन से बात करके इस पर कार्रवाई की। भीड़ लगाए थे बच्चे, उसका डांट रहे थे, थोड़ा सा थक लग गया लगने की वजह से बच्चे का थोड़ा हाथ में जो है दिक्कत हो गई, और चश्मे के डंडे ऊपर से लग गया होगा, चश्मा लगाया था। DM ने जांच की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शिक्षक
ने छात्र की पिटाई की जिससे छात्र की आंख फूट गई। वहीं डीएम ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गंभीर रूप से घायल छात्र को इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले गए हैं, जहां छात्र का इलाज चल रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, गाजीपुर से मामला सामने आया है जहां शिक्षक ने छात्र की बुरी तरह से पिटाई की जिससे उसकी आंख फूट गई। मैं बता दूं आपको कि टीचर के पिटाई से छात्र की आंख फूटी है और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये घटना दुल्लभपुर क्षेत्र के शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। बताया ऐसा जा रहा है कि स्कूल फीस न जमा होने पर शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान छात्र का चश्मा टूटकर आंखों में धंस गया। छात्र को इलाज के लिए परिजन वाराणसी ले गए हैं। मामला संज्ञान में आने पर डीएम ने जांच कार्रवाई का आदेश दिया है। पवन, इस पूरे मामले पर शिक्षक का क्या कुछ बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है? जी, हम आपको बता दें कि जिस बात को लेकर कॉलेज के शिक्षक संतोष ने उसे जमकर पिटा था, पिटाई के दौरान बताया जा रहा था कि छात्र का चश्मा टूटकर छात्र की एक आंख में धंस गया, जिससे उसके एक आंख बुरी तरह घायल हो गई। परिजन छात्र को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले गए हैं, जबकि किसी ने छात्र के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया। जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। खबर कानपुर से है जहां लगातार मोबाइल लूट की घटना बढ़ने के बाद पनकी थाने की पुलिस ने 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। बता दें, तेज रफ्तार बाइक से लोगों के मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले लुटेरे गैंग को पकड़ा गया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट विजय धूल ने बताया कि पुलिस टीम को इनकी कई दिनों से तलाश थी और इसके पास से लूट के मोबाइल फोन, एक देशी कट्टा बरामद हुए हैं। थाना पनकी क्षेत्र में और आसपास के थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में मोबाइल छिनैती की कई घटनाएं हुई थी, जिस पर हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं जिसका यूज़ ये मोबाइल स्नैचिंग में करते थे, और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनमें 2 मोबाइल फ़ोन फिलहाल अभी तक कनेक्ट हुए हैं जो कि इनके द्वारा कल्याणपुर से छीने गए थे। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पे अभियोग पंजीकृत है और जो वादी है उनके द्वारा भी अपने मोबाइल को पहचाना गया है। सिद्धार्थनगर में आदर्श विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो शिव मंदिर प्रांगण लखनपारा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधान नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने किया, जिसमें लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ कलश यात्रा निकाली। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि ये आयोजन पूरे 14 सालों से आयोजित किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा। कानपुर समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ हाजी इरफान सोलंकी और उनसे जुड़े सहयोगियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, अब पुलिस इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को भी चिन्हित कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज जाजमऊ थाना अंतर्गत पुरानी चुंगी स्थित करीब 20 करोड़ रुपए की 3 संपत्तियों को जब्त किया गया है। इस दौरान कानपुर पुलिस थानों के तमाम फोर्सेस के साथ साथ 3 कंपनी पीएसी भी मौजूद रही, साथ ही आसपास के इलाकों में डुगी डुगी बजाकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अब अपार्टमेंट में रह रहे लोगों का कहना है कि अचानक प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद वह बेघर हो जाएंगे। चाहिए कि यहां पर रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट कराया जाए। ये जाजमऊ थाना अंतर्गत 156/22 में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चल रही है,
इरफान सोलंकी इस गैंग के हेड हैं और इसी के अंतर्गत एक गैंग मेंबर है शौकत अली, जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ जाजमऊ में हैं, पुरानी चुंगी में, जिसको आज हम लोग सीज कर रहे हैं। इसमें 27 फ्लैट्स हैं जो इन दोनों नंबर 1 नंबर 2 प्रॉपर्टीज़ में हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो इसको आज सीज कर लिया जाएगा। एक फ्लैट है जिसकी रजिस्ट्री उन्होंने पेश की है, तो उनको भी रहने दिया जाएगा। बड़ा गेट हम लोग सीज कर रहे हैं, छोटा गेट खुला छोड़ देंगे उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।